पूरे में घूमने का होगा कैसे, और ऊपर से मेला चल रहा है और हमने बुलाया है। अरे यहाँ चलान कट रहा है इसको, देखो तो वहां से नहीं जा रहे हैं, कैंसिल कैंसिल आ गया। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स से लगी पड़ी है, जिस वजह से वो ट्रैफिक आधा खासा होल्ड कर रहे हैं। मोटे वाले क्रिमिनल दिखे हैं, मंदिर से क्रिमिनल का माता के दर्शन को रहा है, भव्य माहौल हो रहा है, दिव्य दर्शन दिए गए हैं आज। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर एक्चुअली अभी यहाँ पर है। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पे रियो ब्लॉगिंग से, और कैंपिंग बॉक्स। सो आज मुझे खैस लेके आया है नैनीताल, हम फंस गए थे बारिश में बहुत तगड़ी। भाई मैं नहीं लेकर आऊँ, तू लेकर आया भाई, तू लेकर आया, ये झूठ बोल रहे हैं भाई। और देखो क्या लगा पड़ा है आज पूरे नैनीताल सिटी में, इतने खतरनाक कोहरे में कि घूमने का होगा कैसे, और ऊपर से मेला चल रहा है, और हमने बुलाया है अजय जी को, मेला घूमते हैं आपको कोहली जी के साथ जाना है, और यहाँ से निकलते सीधे मणिताल की ओर को। भैया मणिताल तो पहुँच ही गया ऑलमोस्ट, खत्म ताल पे ही है। सो अजय कोहली जी को कॉल कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, ये देखिए में लगे पड़े हैं, और हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो जो वेदर है ना भाई, मूड खराब करने वाला, बट मणिताल जाके ही पता चलेगा कि कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है। तो निकल रहे हैं और फिर उसके बाद मणिताल का ही सीधे स्टार्ट। हम चल पड़े हैं और यहाँ से हम हेलमेट नहीं लेकर आए हैं, तो हम देख रहे हैं ये भाई कैप पहन कर आके हेलमेट की जगह इसे लगा के हेलमेट है और कैप पहन ली इसने, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ सुबह ले जाएँ, क्योंकि हमारा चालान भी कट सकता है गाइस, और हमारे पास पैसे नहीं है। अरे 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 यहाँ चालान कट रहा है गाइस, वो देखो तो वहाँ से नहीं जा रहे हैं, कैंसिल कैंसिल आगे से चल भाई, और पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है भाई। अबे सीपीयू भी लगी है भाई आज तो, अभी यहाँ सीजन तो अच्छा रहा है, लेकिन लैंड स्लाइड भी बहुत सारी जगह पे हो रहा है, तो आप अगर अभी नैनीताल घूमना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक कर आएँ, क्योंकि यहाँ को बरसात काफ़ी ज़ोरों पे है, और अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, यहाँ के नज़ारे ऐसे हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं अभी यहाँ पे, को लेक साइड पूरा कोहरा कोहरा है, ब्यूटीफुल सी लेक हमारी जो कि दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, काफ़ी सारी बोटिंग हो रही है यहाँ पे को। तो हम मणिताल पहुंचने वाले हैं, मणिताल जाके आगे के बुलाएंगे रागे जी करेंगे, अभी थोड़ी देर मुझे मंदिर भी जाना है, सो माता जी के दर्शन भी कराएंगे हम, मां नंदा सुनंदा के। मणिताल पहुंच चुके हैं और हमने कर दिया भाई ऊपर खड़ी पीछे चेतराम के पास, और यहाँ पर भाई रस इतना ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ तुम्हें मैं, कितना ज़्यादा रस है। ट्रैफिक होल्ड करने में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगी पड़ी है, जिस वजह से वो ट्रैफिक आधा खासा होल्ड कर रहेगा, बट ललिताल से आने वाली गाड़ियों की में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फंस जा रहा है इंसान, लंबी सी कतार है, लाइन है गाड़ियों की, जिस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा भारी जाम देखने को मिल रहा है, और पैदल चलने वालों की संख्या इंक्रीजिंग, मैं कह नहीं रहा था, डे बाई इंक्रीजिंग होती रहेगी, ये इंक्रीजिंग ही है, इसके अलावा तो भाई अंदर पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा माहौल आज का, स्क्रीन लगा के अंदर चल रहे भजन कीर्तन यानी कि सत्संग, तो ये बड़ा शुभ कर रखा विचार एकदम। और अभी तो हम फड़की एरिया में है, पहले हम सोच रहे कि मंदिर जाया जाए, क्योंकि हमारे जो मनीष भाई को है मंदिर जाना है, मोटे वाले क्रीम रोल दिखे हैं, मंदिर जाके क्रीम रोल का पहले दर्शन हो जाएंगे फिर क्रीम रोल होंगे, बट मंदिर के अंदर जाने के बाद मेले के जो भव्य नज़ारे वो दिखाएंगे, जो बाहर से फेरीस लगी है ना, झूले वगैरह आज चलने स्टार्ट हो गए, बहुत थकड़ तरीके से घूम रहे हैं, धड़ धड़ दो तीन तीन से तो मौसम ऐसा खराब था, ऐसा खराब था, ऐसा खराब था, आपको क्या ही बताऊं, बट अभी औसम मौसम है, अभी थोड़ा पहुँच गया भोटिया मार्केट, वो पीछे देखिए बिग स्क्रीन के साथ यहाँ पर स्वागत करने का सबों का, और देखिए हर जगह में प्रसाद के छोटे छोटी सी दुकानें देखने को मिल रही है, और यह है यहाँ पर का जूता रखने वाला स्टॉल, तो जूता यहाँ उतारने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और हम चल रहे पहले जूता उतारते हैं फिर चल रहे अंदर की ओर भाई, जूता उतारना ही पड़ेगा, और एक टोकन मिलेगा, टोकन के साथ ही अंदर जाएंगे भाई, जूते वहाँ रखने के बाद हमने लिया टोकन, और टोकन लेने के बाद मंदिर के अंदर की ओर का प्रस्थान। दादा कैसे? सो भाई यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना तो अलाउ कर ही दिया है लगभग, बट हम जाएंगे अंदर की ओर। आजकल स्कूल वालों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है, स्काउट गाइड वालों की, स्काउट गाइड वाले होते हैं ना बंदे जो, उनकी लगी रहती है ड्यूटी, बट अब हम सीधे पहले मंदिर के ओर जाते हैं, क्योंकि कल परसों आपको अंदर दिखाई दिया है कैसे भव्य नज़ारे हैं, मगर भीड़ बहुत ज़बरदस्त हो रही है, हवन हो रहा है, और ऊपर से शिवालय में भी लोग बहुत जल बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बट ये जाएंगे पहले हाथ पांव धोने, मैं भी जाता हूँ पहले आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर अभी आरती चल रही है, और आरती भी इतनी प्यारी चल रही है, हनुमान जी की आरती चल रही है, और अब जा रहे हैं मंदिर की ओर फिर से अगेन दोस्तों, और खूबसूरत सी जगह है ये देखिए, यह है गर्भगृह के पहले चक्कर कर काट लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर की ओर यहाँ पर वीडियो के आ चुके हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लाल कलर का बोर्ड दिख रहा है वो देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि फोटोग्राफी यहाँ पर अलाउ नहीं है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो बनाने में दिक्कत है। यहाँ से देखिए नंदम देवी माता की पूरी की पूरी प्रतिमा कितनी खूबसूरत लग रही है, अब हम अंदर ही जा रहे हैं और थोड़े दर्शन करके आते हैं, भाई निकल गया है आगे की ओर, पर हम भी जाते हैं, और दर्शन करने के बाहर
बाहरी की ओर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर रखी है और लाइव प्रसारण भी चल रहा है, आप ताल चैनल में देख सकते हैं लाइव प्रसारण। यहाँ का ये यहाँ पर रुकने के बाद अंदर जा रहे हैं भाई और चाय डाला भी लगाया जा रहा है, बहुत जरूरत है भाई मनीष जी आप भी लगाओ ना यहाँ का। तो देखिए कितने जल्द यहाँ पर भक्त माता के दर्शन को लाए, भव्य माहौल हो रहा है, दिव्य दर्शन दिए गए हैं आज फिर से सबको, दिव्य दर्शन की आभूति हो रही है, बहुत दर्शन हो रहे हैं। तो इधर घूमने आ जाए, छोटे छोटे से मंदिर है, छोटे छोटे नहीं है तो बड़े मंदिर, भगवान बड़े ही है मगर मंदिर बहुत अच्छा है खूबसूरत सफर आपको माँ संतोषी के गर्भग्रह और नवग्रह और ये है मंदिर राधा कृष्ण का देखने को मिलेगा। भाई उतर गया है तो उनको जाने दीजिए, यहाँ से दर्शन कर लेते हैं। तत्काल दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से, अब यहाँ पर थोड़ी देर हम और टाइम व्यतीत करेंगे क्योंकि भव्य दर्शन और दिव्य दर्शन के लिए काफ़ी व्याकुल हो रहे हैं, पहले से दर्शन के लिए काफ़ी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। जो दिव्य दर्शन होते हैं ये इसी टाइम पर होते हैं, जो अवसर आता है सितंबर के टाइम पर इसी टाइम पर आपको ये दिव्य दर्शन देखने को मिलेंगे माँ नंदा सुनंदा के, और खूब सारे भक्तगण यहाँ पर मन्नत लेके आते हैं अपने जो उनको पूर्ण की जाती है माता द्वारा, इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सो अब निकल रहे बाहर की ओर कोई और हम यहाँ पर दर्शन यार, और मंदिर के बाहर भी निकल जाएंगे थोड़ी देर। देखिए पंडित जी कितने प्यार से बैठे हैं शिवालय के आसपास, सारे पंडित जी बैठे हैं और जिनको पूजा करवानी होती है अर्चना करवानी होती है वो यहाँ करवा लेते हैं पंडित जी आराम से, यहाँ पर हर कोई पंडित इसी के लिए विख्यात है। और देखिए शिवालय कितना भक्तों से भरा पड़ा है और भक्त यहाँ पर नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज के कानों में यहाँ पर अपनी मनोकामना कह रहे हैं और उसके बाद सीधे सीधे जो मनोकामना होती है पूर्ण होने से भरा पड़ा, और इसके जस्ट बगल में पूजा अर्चना चल रही है भाई, भजन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, तो सारे के सारे भक्त जो है सत्संग में भी बैठे पड़े हैं। सरप्राइज और देना मांगता है तुम्हें, जो हमारा मित्र है अजय जी वो आने वाले हैं, और सुल्ताना डाकू, सुल्ताना डाकू नहीं है अच्छा बंदा भाई, देखते हैं उससे पहले वगैरह ले लिए हैं भाई, टफ था मामला बहुत टफ था, बहन के आगे की ओर जा रहे हैं, अजय मियां से मिलते हैं। सो अजय कोहली जी उर्फ अब्दुल कादरी हमें मिल चुके हैं, तो अब इसके साथ कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ गायब हो रहा है भाई ये, अपने जूते रख रहे हैं, अरे हाँ जूते रखे जिस स्थान पर ना उस स्थान से जूते लेने जा रहा अपने। सो दुकान पर रखवाया है इसने, सेफ्टी परपस, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि कहीं से भी जूते चोरी हो सकते हैं कोई भरोसा नहीं है, और जूते इतने महंगे पहनते हैं करीबन 20-30 लाख के नाइकी जॉर्डन। माय फ्रेंड अजय गोली जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बनारस के बाद आज ही मिल रहे हैं, बनारस के बाद आज ही मिल रहे हैं, देखो लंबे समय बाद क्योंकि अमन तो चले गए भाई साहब, उसके बाद बहुत तगड़ी है आप देखना जरूर। सो अब हम सोच रहे हैं अंदर को प्रस्थान किया जाए भाई, और मेला बहुत खतरनाक और लचलचा किचकिचा सा हो रहा है, तो देखो कैसा पानी अभी से देखने को मिल रहा है, तो हम सोच रहे धीमे धीमे करके जाएंगे अंदर और बसते हुए थोड़ा सा। और ये आप देख सकते हो ये मेला के कंट्रोल रूम जहां आप कुछ भी चीज़ गुम होने की रिपोर्ट लिखा सकते हैं, और ये अनाउंस करके यहां पर सबको बताया जाएगा और आप यहां पर आके कलेक्ट भी कर सकते हैं अगर मिल गया तो, अदरवाइज फॉरगेट भूल जाओ सब चीज़। कोई भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी 3-4 दिन की बारिश के बाद, आज देखिए कितना सब माहौल खुला मिला है, जॉइंट मिल और कोलंबस तो नज़दीक में देखने को मिल रही है, और हम सोचते हैं कि अंदर जाया जाए और आज झूला झूला जाए, बट इसके टिकट के रेट क्या चल रहा है, 60 रुपये पर पर्सन सही चल रहा है यार, मना कर दिया पास के लिए, पास इस बार मना कर रखा है, अच्छा पूर्ण रूप से मना कर दिया पास से, तो रेट बिल्कुल कम करिए 60 रुपये भाई, 60 रुपये पर पर्सन, तो उसको बाद में उठा देंगे ना, जो बसरी यहाँ पर बिछाई गई है उसके बारे में ये बात चल रही है, और वो हैमर वाला भी दिख रहा है, एक फ्लेक्सी लगी हुई है नाम रेंजर है उसका, और ये डिस्को डांसर, और उसी के जस्ट बगल में टेढ़े वाला झूला, पता नहीं कौन कौन से रेल वगैरह सब सब का सब भाई झूला ही झूला, सुने चीखे इनकी झूलने वालों की, इसमें ना भाई उल्टी करने का मन भी हो जाता है वॉमिटिंग का, तो इस वजह से काफ़ी लोग घूमते भी नहीं है, और मिकी माउस दैट्स माय फेवरेट वन बचपन में बहुत खेला था बट अब खेलने का मन नहीं है क्योंकि उसमें हमें अलाउ नहीं है, अगर हुआ तो किस दिन हम भी खेलेंगे यार भाई, तो किस दिन क्या, अगर 1-2 दिन में मिल गया तो मौका, क्योंकि सुबह के टाइम पर ही मौका मिल सकता है हमें इसका, बट ये नए वाले जो आए हैमर्स वाले इसको यार रिंग रैंक्स वाले इसमें घूमने का मौका मिल जाए तो बढ़िया ही है यार, मौका क्या टिकट खरीद के जाते हैं अगर अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण नहीं हो पा रहा जाने का अंदर, जिस वजह से नहीं कर पाएंगे, और अदरवाइज एक और जो मौत का कुआ इस बार नहीं लगाया गया है, थोड़ी डिफिकल्टी तो है मगर मौत का कुआ लगा देते तो मज़ा ही अलग था उसका, फिर वो जो नया गाना वायरल हुआ ना आई मिली वाला तो उसको लगाते इसमें यार, गली 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 घूम रहे हैं मगर मेले में कुछ समझ नहीं आ रहा किस गली में गए, क्या गलियों में ऐसी भीड़ दिखने को मिल रही है, दुकानों में जाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ खरीदने का मन नहीं हो रहा है, सो थोड़ी देर इसी एरिया में बने रहेंगे, कुछ खरीदने को तो वैसे मिलेगा नहीं मुझको आई थिंक, सो इसके बाद बाहर को निकल जाते हैं और आउटिंग घूमते हैं, अभी लेट पहुँचे जिसके वजह से अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर को भाई, बीच बाजार घूम के आते हैं, बीच बाजार में अपना भी बहुत बड़ा और ज़्यादा
सबसे ज्यादा काम होता है वहीं जाते हैं। हम पहुंचे हैं डीएसए वाले फील्ड में जहां पर होता है क्रिकेट मैच, और देखिए यहां से आपको देखने को मिलेगा कि कितनी ज्यादा भीड़ यहां पर एक्चुअली अभी यहां पर है, और लोग तो यहां से ड्रोन से भी वीडियो बना रहे, उड़ता हुआ ड्रोन जा रहा है। बट हम चलते हैं मार्केट ऊपर की ओर, और फिर उसके बाद मे भी मूव कर लेंगे, थोड़ा बहुत हिल लेंगे। बात देखो कैसी खिलखिलाती हुई भीड़ दिख रही है भाई, और मौसम भी लगभग खुल चुका है। सो मैं तो सोच रहा हूँ वापसी की ओर चल दिया जाए, प्रस्थान कर लिया जाए भाई, क्योंकि इस भीड़ को देख के मेरे मन को राहत देने का एक ही साधन है, वो है मेरा घर। वहाँ बहुत ज़्यादा शांति होगी, ये नॉइस पोल्यूशन से मैं थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ। और मिलते हैं तुम्हें कल अपनी नई वाली वीडियो में। सो चल रहे हैं, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ से प्रस्थान करते घर की ओर, तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नाम है वियो न्यू 1390 4, और यो ब्लॉग इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।